हेलो डॉक्टर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट का लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड द वेरिएशन इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है एडहेसिवनेस, दूसरा होता है एग्रीगेशन एंड तीसरा होता है एग्लूटिनेशन। इन तीनों को ही हमें डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी के साथ जिसका नाम है एडहेसिवनेस। एडहेसिवनेस का क्या मतलब होता है? जैसा कि वर्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडहेसिवनेस शो करना, यानी किसी चीज से स्टिक कर जाना, किसी चीज से चिपकना। ठीक है, अब जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रफ सरफेस से, किससे? रफ सरफेस से स्टिक कर जाती हैं, यानी चिपक जाती हैं। तो प्लेटलेट्स का रफ सरफेस से स्टिक करना ही क्या कहलाता है? एडहेसिवनेस कहलाता है। अब ये होता कैसे है हमारी बॉडी में वो समझिएगा। ये सपोज करिए ये कोई ब्लड वेजल है, ठीक है, ये कोई ब्लड वेजल है, और ब्लड वेजल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो ब्लड वेजल की जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम बोलेंगे। सपोज दिस इज एंडोथीलियम ऑफ द एनी ब्लड वेजल और एनी कैपिलरी। सो दिस इज एंडोथीलियम। ओके, अब सपोज करिए कि ड्यू टू एनी रीजन देयर इज डैमेज इन दिस एंडोथीलियम एट सर्टेन पॉइंट। सपोज करिए कि इस पॉइंट में क्या होता है, ये एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है। अब इस एरिया में जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है तो क्या होगा? एंडोथीलियम डैमेज हो गई तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है सब एंडोथीलियम वो एक्सपोज हो जाता है। क्या एक्सपोज हो जाता है? सब एंडोथीलियम विद कोलेजन। तो सब एंडोथीलियम एक्सपोज हो जाता है और सब एंडोथीलियम के पास क्या हो जाता है? क्या होता है? कोलेजन होता है। ठीक है, कोलेजन होता है। तो ऊपर की जो एंडोथीलियम थी वो डैमेज हो गई तो क्या हमको दिखेगा? नीचे वाली सब एंडोथीलियम दिखेगी। अब सब एंडोथीलियम के पास क्या है? कोलेजन है। और कोलेजन होने की वजह से ये सरफेस जो कैसा है? रफ सरफेस है। कैसा है? रफ सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? रफ सरफेस है। अब इस रफ सरफेस पे क्या होता है? आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो आके स्टिक हो जाती हैं। इस रफ सरफेस पे प्लेटलेट्स आके क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। यहाँ पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती हैं। ये कैसे जमा होती हैं? क्या प्रिंसिपल है, क्या बेसिस है, क्या तरीका है इसका, वो समझिए। देखो, ये जगह जहां पे एंडोथीलियम डैमेज हुई थी, ठीक है, इसको बोलते हैं डैमेज्ड एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? डैमेज्ड एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, इस डैमेज्ड एंडोथीलियम से क्या होता है? एक प्रोटीन निकलती है जिसको बोलते हैं वॉन विलीब्रांड फैक्टर। वॉन विलीब्रांड फैक्टर, ये एक प्रोटीन निकलती है। और ये जो एक प्रोटीन है जो कि डैमेज एंडोथीलियम से निकलती है, ठीक है, इस प्रोटीन के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये प्लेटलेट्स को अपने ऊपर स्टिक कर लेती है। बिल्कुल ऐसे समझिए, सपोज करिए कि ये डैमेज एंडोथीलियम थी, यहां पे इस डैमेज एंडोथीलियम से ये निकला वॉन विलीब्रांड फैक्टर। यहां से क्या निकला? वॉन विलीब्रांड फैक्टर। और वॉन विलीब्रांड फैक्टर के पास मान लीजिए ये हुक है। ये क्या है? हुक है। मान लीजिए हुक है और इन हुक से अटैच हो जाती है प्लेटलेट्स। इन हुक से कौन अटैच हो जाती है? प्लेटलेट्स अटैच हो जाती है। अगर आप डीप में जाए तो बेसिक मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो वॉन विलीब्रांड फैक्टर है, ठीक है, इसका रिसेप्टर, इसका जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स के पास। ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर है, इसका जो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है कहां पे? प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन में। कहां? प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन में। तो ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर जो डैमेज एंडोथीलियम से निकल रहा है, इसका रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है? जो प्लेटलेट्स हैं उसकी सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन इस वॉन विलीब्रांड को फैक्टर को देखती है, ठीक है, वॉन विलीब्रांड को फैक्टर को देखती है, तो उससे जाके क्या कर जाती है? स्टिक कर जाती है। उससे जाके स्टिक कर जाती है, यानी वॉन विलीब्रांड फैक्टर जो है इसकी जो रिसेप्टर प्रोटीन है वो कहां प्रेजेंट है? प्लेटलेट्स के पास प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो प्लेटलेट जैसे ही वॉन विलीब्रांड फैक्टर को देखती है वहां जाके उससे जाके चिपक जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिवनेस। ठीक है, तो एडहेसिवनेस समझ में आ गया। प्रॉपर्टी टू स्टिक ऑन रफ सर्फेस कैसे होता है? डैमेज्ड एंडोथीलियम क्या रिलीज करती है? वॉन विलीब्रांड फैक्टर रिलीज करती है। और वॉन विलीब्रांड फैक्टर जो होता है इसकी रिसेप्टर प्रोटीन कहां प्रेजेंट होती है? प्लेटलेट्स की सेल मेम्ब्रेन पे। और प्लेटलेट्स क्या करती हैं? वहां जाके स्टिक हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडहेसिवनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का क्या मतलब है? तो हमने अभी तक आपने अभी तक क्या देखा कि ये मान लीजिए ब्लड वेजल थी, ठीक है, ये ब्लड वेजल थी कोई भी, ठीक है, और यहां पे क्या था? एंडोथीलियम थी। ये एंडोथीलियम थी और कुछ पार्ट में एंडोथीलियम क्या थी? डैमेज हो गई थी। कुछ पार्ट में एंडोथीलियम क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। और जहां डैमेज हो गई थी वहां पे क्या हुआ था कि प्लेटलेट्स आके जमा हो गई थी किसके पास? वॉन विलीब्रांड फैक्टर के पास। किसके पास? वॉन विलीब्रांड फैक्टर के पास। तो ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर है, दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक है, वॉन विलीब्रांड फैक्टर को हम दूसरे कलर से बना देते हैं। तो सपोज करिए कि ये वॉन विलीब्रांड फैक्टर है हमारे,
वॉन विलिब्रेन फैक्टर से कौन जुड़ गई है, आके प्लेटलेट साइड हो गई है, ठीक है, प्लेटलेट साइड हो गई है। तो जब वॉन विलिब्रेन फैक्टर से आके प्लेटलेट्स अटैच होती हैं, तो होता यह है कि जो प्लेटलेट्स हैं ये रिलीज करती हैं पीएएफ, क्या रिलीज करती हैं पीएएफ, पीएएफ का मतलब होता है प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड फैक्टर, एक्टिवेटेड फैक्टर। अब जो ये प्लेटलेट एक्टिवेटेड फैक्टर है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव प्लेटलेट्स को एक्टिव प्लेटलेट्स में, किसमें, एक्टिव प्लेटलेट्स में। देखो हुआ क्या था, एंडोथिलियम डैमेज हुई थी, वॉन विलिब्रेन फैक्टर निकला था, और उस वॉन विलिब्रेन फैक्टर ने किसको अटैच कर लिया था अपने ऊपर, प्लेटलेट्स को अटैच कर लिया था, ये प्लेटलेट्स अटैच हो गई थी, ठीक है। अब इन प्लेटलेट्स ने क्या रिलीज किया, पीएएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब इस प्लेटलेट एक्टिव फैक्टर एक्टिवेटिंग फैक्टर ने क्या किया कि ये जो आसपास की जो इनएक्टिव या जो भी इनएक्टिव प्लेटलेट्स थी इनको किसमें कन्वर्ट किया, एक्टिव प्लेटलेट्स में कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, एक्टिव प्लेटलेट्स में कन्वर्ट किया। ये जो भी यहां पे इनएक्टिव प्लेटलेट्स थी उनको उसको किसमें कन्वर्ट किया, एक्टिव प्लेटलेट्स में कन्वर्ट किया। अब देखो जो एक्टिव प्लेटलेट्स होती हैं ये रिलीज करती हैं एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोक्सिन ए2, क्या नाम है, थ्रोम्बोक्सिन ए2। तो थ्रोम्बोक्सिन ए2 जो होता है ये एक तरह से फेविकॉल की तरह मान लीजिए या ग्लू की तरह मान लीजिए। तो जब इन प्लेटलेट्स से क्या निकलता है, ये जो प्लेटलेट्स हैं इनसे निकल, जब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो नाउ दीज आर, मान लीजिए सपोज करिए कि ये कन्वर्ट हो गई एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में, ये क्या है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं। तो इनसे निकलेगा क्या, इनसे निकलेगा, ये मान लीजिए निकलने लग गए यहां से थ्रोम्बोक्सिन ए2। अब ये थ्रोम्बोक्सिन ए2 जो है ये किसकी तरह काम करेगा, ये ग्लू की तरह काम करेगा, और ग्लू की तरह जब काम करेगा तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर क्या करेगा, और जोड़ेगा, और प्लेटलेट्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, और प्लेटलेट्स को क्या करेगा, अपने ऊपर ऐड करेगा। और बहुत सारी प्लेटलेट्स का इस तरीके से ऐड होना, इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसको क्या बोलेंगे हम, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का एक ढेर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। एक चीज और होती है, जब प्लेटलेट्स इनएक्टिव होती हैं तो ये इनकी जो शेप होती है वो या तो डिस्क शेप की होती है या ओवल शेप की होती है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव प्लेटलेट में तो या तो ये स्फेरिकल हो जाती है, स्फेरिकल हो जाती है, या फिर ये रॉड शेप हो जाती है, किसमें रॉड शेप हो जाती है। और इनके ऊपर आ जाते हैं एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फिलोपोडिया, क्या बोलते हैं, फिलोपोडिया बोलते हैं इनके ऊपर, इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, फिलोपोडिया आ जाते हैं, ठीक है। ये जो फिलोपोडिया होते हैं इनके ऊपर, ये फिलोपोडिया जो होते हैं ये इनको क्या करते हैं, एक तरह से एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्रीगेट कर जाए, इंटरलॉकिंग बन जाए, इंटरलॉकिंग करके ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स एक जगह इकट्ठी हो जाए उसमें हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था एग्रीगेशन के बारे में। नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है, तो देखिए जो सेल्स अभी एग्रीगेट हुई हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या हुआ कि बहुत सारी प्लेटलेट्स एग्रीगेट हो गई, क्या हो गई, एग्रीगेट हो गई, इकट्ठा हो गई, एक जगह इकट्ठा हो गई, तो ये भाग ना जाए, ये यहां से एक जगह इकट्ठा तो हो गई है, बिल्कुल ऐसे समझिए कि आपने कहीं भीड़ जमा की है, कहीं लोगों की भीड़ जमा की है, लेकिन आपको कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि लोग भाग ना जाए, ठीक है। आपको भीड़ चाहिए, लोगों की भीड़ चाहिए, तो आपको लोगों के इंतजाम भी करना पड़ेगा, उनके खाने पीने का, उन्हें बिजी रखना पड़ेगा, उनको अटैच कर रखना पड़ेगा ताकि वो भाग ना जाए। तो ये प्लेटलेट जो एग्रीगेट हुई है ये क्या है, एग्रीगेट प्लेटलेट है, एग्रीगेट क्या है, प्लेटलेट्स है। अब ये भाग ना जाए तो इनको क्लंप करना पड़ेगा, इनको बांध के रखना पड़ेगा, और बांधने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट एग्लूटिनेंस। ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटलेट एग्लूटिनेंस है, क्या है, प्लेटलेट एग्लूटिनेंस है। ये क्या करेंगे, इनको आपस में बांधेंगे, इनकी आपस में क्लंपिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्लंपिंग करेंगे, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है जो एग्रीगेटेड प्लेटलेट है उनकी क्लंपिंग करना, उनको बांधे रखना। तो ये जो हम कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, क्लंपिंग कर रहे हैं, इनकी बांधे रख रहे हैं ताकि ये क्या ना कर जाए, भाग ना जाए। तो ये हम क्या करते हैं, इनकी क्लंपिंग कर देते हैं। तो क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। ओके, ये था एग्लूटेशन। तो तीनों प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑफ प्लेटलेट्स, पहली थी एडहेसिवनेस, दूसरी थी एग्रीगेशन, एंड थर्ड थी एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स नॉर्मली क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है हमारे ब्लड के अंदर,
ठीक है, और नॉन फंक्शनल होती हैं, लेकिन जब वो एक्टिव हो जाती हैं तब वो फंक्शनल होती हैं, ठीक है। और इनएक्टिव से एक्टिव में बदलने में हेल्प कौन करता है, कई सारे केमिकल होते हैं, उनमें से एक का नाम है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, पीएएफ बोलते हैं, और भी होते हैं एडीएच वगैरह, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट को एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब ये एक बार फंक्शनल हो जाती हैं तो ये बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती हैं, बहुत सारे केमिकल्स यानी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो किसी डैमेज्ड ब्लड वेसल को सही करते हैं, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है वो सब देखते हैं, एक बार ये एक्टिव हो जाती है तब। एक्टिव होने के बाद इनका जो एक रोल रहता है वो रहता है कि किसी भी ब्लड वेसल को डैमेज, कोई भी डैमेज ब्लड वेसल है उसको रिपेयर करने में। सपोज करिए कि ये एक ब्लड वेसल है पर ये डैमेज हो गई है, यहाँ पे ये इस जगह पे डैमेज हो गई है, तो उसकी रिपेयरिंग कौन करेगा? प्लेटलेट्स के अंदर एक केमिकल निकलता है, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में या प्लेटलेट्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, वहां से एक केमिकल निकलता है जिसको बोलते हैं पीडीजीएफ, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। अब ये क्या करेगा, ये माइटोजन की तरह काम करेगा, किसकी तरह करेगा, माइटोजन की तरह काम करेगा, और ये इस डैमेज्ड एंडोथेलियम के आसपास के टिश्यू पे एक्ट करेगा और उनका रेट ऑफ माइटोसिस बढ़ा देगा, और जब उनका रेट ऑफ माइटोसिस बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, ये जल्दी से कवर अप कर लेगा, इसको जल्दी से हील कर लेगा। बात समझ में आ गई? तो पहला रोल क्या है, रिपेयरिंग रप्चर ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल रप्चर होगी उनकी रिपेयरिंग करेगा, कैसे, पीडीजीएफ को रिलीज करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका वो ये है कि ये ब्लड लॉस को बचाता है। अब ब्लड लॉस को बचाने के क्या तरीके हैं, तो दो तरीके हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ये कोई भी ब्लड वेसल थी ये डैमेज हो गई थी, मैंने आपको जो डिस्कस किया था सेम एग्जांपल लेके चलता है कि मान लीजिए कोई ब्लड वेसल थी ये डैमेज हो गई थी यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ से ब्लड लॉस होगा, यहाँ से क्या होगा, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है इसके अंदर ये लॉस होगा, तो दूसरा काम क्या करती है, ये प्लेटलेट्स इस ब्लड लॉस को बचाती है। तो इस ब्लड लॉस को बचाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये क्या करती है, प्लेटलेट्स जिस जगह पे डैमेज होता है उस जगह पे अपना एग्रीगेशन कर लेती है, इनकी प्रॉपर्टी थी ना एग्रीगेशन की, जमा हो जाने की, तो यहाँ पे एग्रीगेशन करके बना लेती है प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। क्या बना लेती है, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बना लेती है, और ये प्लग कर देता है, इसको सील कर देता है। जब सील कर देगा तो ये क्या होगा, यहाँ से ब्लड लॉस बच जाएगा। दूसरा जो तरीका ये है, ये क्या करती है, यहाँ एक केमिकल रिलीज करती है जिसको बोलते हैं 5ST, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। क्या नाम है इसका, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ये केमिकल रिलीज करती है, और ये केमिकल जो है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है। और जब नैरो कर देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ब्लड के लॉस होने के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। बात समझ में आ गई, ये था रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। नेक्स्ट जो है, ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा आपकी कहीं चोट लग जाती है तो उसके कुछ टाइम बाद वहां पे क्या करता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बन जाता है, ठीक है, उस क्लॉट को बनाने में हेल्प करती है। इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम बहुत डिटेल में समझेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी इसके बारे में डिटेल में बात करना छोड़ते हैं, डिटेल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो इनका रोल होता है वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो पहले तो एक जगह इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होने के प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेशन। उसके बाद ये क्लंपिंग कर लेती हैं इस तरीके से, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्लंपिंग कर रही हैं। क्लंपिंग मतलब ये प्लेटलेट्स भाग ना जाएं, ये एक दूसरे से दूर ना चली जाएं, भाग ना जाएं, इसलिए इनके बीच में आपस में क्लंपिंग हो जाती है। अब जो ये क्लम्प्ड प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, अब ये क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया पैथोजन को अपने अंदर इन्वेड कर लेती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आ गया तो वो मान लीजिए यहाँ पे है, या फिर मान लीजिए कहीं भी इनके बीच में कहीं आ गया, तो ये क्या करती हैं, लाइसोसोम से केमिकल रिलीज करके, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पैथोजन अगर आ जाता है तो जो लाइसोसोम्स इनके अंदर होते हैं वहां से और लाइसोसोम से एंजाइम सिक्रेट करके इनका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, पैथोजन जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं, और इस तरीके से ये हेल्प करती हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएशन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, कि प्लेटलेट्स के अंदर नंबर इंक्रीज करना और डिक्रीज करना ये कैसे होता है, कब होता है। देखो, वेरिएशन कभी भी दो रीजन से हो सकता है, एक हो सकता है पैथोलॉजिकल, किसी डिसीज की वजह से हो रहा हो, और दूसरा हो सकता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल माने हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा हो। सबसे पहले हम पैथोलॉजिकल डिस्कस करेंगे कि पैथोलॉजिकल कॉज क्या होते हैं प्लेटलेट्स के नंबर में चेंजेस के। आपको पता है कि जो नॉर्मल काउंट होता है प्लेटलेट्स का वो 2-4 लाख होता है, ये नॉर्मल काउंट है, ये नॉर्मल काउंट है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, ठीक है। एवरेज अगर हम देखें तो 2.5, अगर हम इसका एवरेज निकालें, इसका एवरेज काउंट रहता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का
सब क्या चीज पॉसिबल है, दो चीज पॉसिबल है कि प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाए। जब प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट अगर मान लीजिए 4 लाख से या 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और एक किस किस कंडीशन में होता है, एलर्जी हो जाए किसी इंसान को, एस्फैक्सिया यानी सांस लेने में जब दिक्कत होती है, हीमोरेज कहीं भी ब्लड लॉस हो जाए, स्प्लेनेक्टोमी जब स्प्लीन को काट के बाहर निकाल दिया जाए, कोई भी वाउंड या इंजरी हो जाए जिसको हम ट्रॉमा बोलते हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाए या कोई भी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं, उस केस में प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही प्लेटलेट्स अगर एबनॉर्मली हाई हो जाए, बहुत ज्यादा एक अनकंट्रोल्ड इंक्रीजमेंट हो जाए इनमें, तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया। ठीक है, थोड़ा बहुत जो इनकी रेंज है उससे थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, बट एबनॉर्मली ज्यादा होता है तो हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइथेमिया। और ये किस किस कंडीशन में होता है, कार्सिनोमा, कैंसर की कंडीशन में, क्रोनिक ल्यूकेमिया, लंबे वक्त का ब्लड कैंसर रहा हो, या फिर हॉडकिंस डिसीज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस फैक्टर के बारे में जब प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है। तो जब प्लेटलेट्स का काउंट डिक्रीज होता है तब हम इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ये कब होता है, जब इन्फेक्शन हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो, चिकन पॉक्स हो, स्प्लेनोमेगली हो, मतलब स्प्लीन के अंदर क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, या फिर एप्लास्टिक या पर्निशियस एनीमिया हो जाए, इन कंडीशन में प्लेटलेट्स होती हैं वो डिक्रीज होती हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कि हमारी मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, या हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर हम एज के रेस्पेक्ट में देखें तो इन्फेंट्स के अंदर जो काउंट होता है प्लेटलेट्स का वो कम होता है, 1.5 to 2 lakhs पर मिलीमीटर क्यूब के अप्रोक्स होता है। लेकिन जब जो इन्फेंट है वो थर्ड मंथ की एज में पहुंचेगा तो आरबीसी काउंट वापस नॉर्मल हो जाता है, दैट इज 2 to 4 lakh पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्स के बारे में तो मेल और फीमेल में अगर आप नंबर ऑफ प्लेटलेट्स देखो तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्योंकि ब्लड लॉस हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो फीमेल है उनके अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कम होंगी एज कम्पेयर टू मेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो आपका जो आरबीसी का जो सॉरी प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और खाना खाने के बाद भी प्लेटलेट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक वेरिएशन इन द प्लेटलेट्स काउंट। ओके, चलिए, कोई डाउट रहा हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।